हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ेंगे फेयर एंड लवली जो क्रीम आती है, ठीक है, ग्लो करने वाली क्रीम जो आपको गोरा बना देती है। तो इस क्रीम के बारे में पढ़ेंगे, इसके पूरे डिटेल पढ़ेंगे कि कौन क्या है। और इस क्रीम का नाम अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि क्या है इसमें, जैसे कि आपके पास है फेयर एंड लवली का नया नाम क्या है। तो फेयर एंड लवली का जो अब नया नाम हो गया है, उसका नाम हो गया है ग्लो एंड लवली। क्या हो गया है? ग्लो एंड लवली, ठीक है। फेयर शब्द हटा दिया गया है, ठीक है, बहुत ही आलोचना हो रही थी फेयर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है? ग्लो एंड लवली। अब ये ग्लो एंड लवली के नाम से बिकेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चार फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि, ठीक है, कैसे। देखिए ये भारत में कब आया था, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो क्रीम है ये यहाँ की नहीं है, ये है ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की कंपनी है यूनिलीवर, और यूनिलीवर का एक पार्ट है हमारे इंडिया में जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। तो यही कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यही क्रीम बनाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। अब देखिए ग्लो एंड लवली क्या नाम हो गया इसका, अगर आपसे हो सकता है पेपर में भी पूछ सकता है कि फेयर एंड लवली का नया नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया ग्लो एंड लवली, ठीक है। क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। और ये भारत में कब आया था, ये क्रीम भारत में आई थी 1975 में। कब आई थी? 1975 में। और ये क्रीम कहाँ कहाँ पे बिकती है अपने एशिया के रीजन में? ये बिकती है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये जो हमारे पड़ोसी देश है यहाँ पे ये सारी क्रीमें बिकती हैं। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कौन सी कंपनी बनाती है, तो ये बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये किसका पार्ट है? ये ब्रिटिश पे एक कंपनी है यूनिलीवर, उसी का ये पार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। ये इंग्लैंड की कंपनी है। और देखिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनकी ब्रांड एम्बेसडर है जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं हमारी देश की, यामी गौतम। तो यामी गौतम इसका प्रचार करती है, आपने टीवी में एड भी देखा होगा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यह किस देश की कंपनी है, तो ये कंपनी है ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस कंपनी का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और देखिए इस क्रीम में सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एसिड होता है, तो ये एसिड होता है इसमें स्टियरिक एसिड, ठीक है। स्टियरिक एसिड, स्टियरिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? तो जो जानवर होते हैं, जानवर के बॉडी में जो वसा होता है, तो वसा से बनाया जाता है स्टियरिक एसिड, ठीक है, वहां से ही हमें प्राप्त होता है स्टियरिक एसिड। और एक कंपाउंड होता है जो हमें मिलता है इसमें, मिलेनिन। क्या मिलता है? मिलेनिन, जो हमारे त्वचा के लिए उपयोगी तत्व है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि त्वचा के लिए कौन सा है, तो ये है मिलेनिन। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।